नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। दोस्तों, इन दिनों मॉब लिंचिंग की घटनाएं काफ़ी बढ़ती जा रही है। देश के विभिन्न शहरों से मॉब लिंचिंग की घटनाओं की खबरें आ रही है, जहां देखा जा रहा है कि भीड़ द्वारा विभिन्न लोगों को पीट पीट कर मार दिया जा रहा है, जो कि यह संकेत देश के लिए सही नहीं है। इन भीड़ का सहारा लेकर कुछ लोग अपने मंसूबों को कामयाब करने में लगे हैं, तो ऐसे में हमारे सभ्य समाज के सभ्य लोगों को आगे आने की ज़रूरत है और उनकी जिम्मेवारी काफ़ी बढ़ जाती है। तो हमारा अनुरोध है कि समाज के सभ्य लोग आगे आए और ऐसे घटनाओं का कड़ी निंदा करें, विरोध करें, ताकि आइंदा ऐसी घटनाएं ना घटें। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मालदा में एक घटना घटी थी। शेख शनाउल को भीड़ ने पीट पीट के मार दिया था। ऐसी घटना कल रात यानी मंगलवार 3 जुलाई को त्रिपुरा में घटी, जहां पे एक बुद्धिराम त्रिपुरा नामक एक व्यक्ति को मवेशी चोरी का इल्ज़ाम लगा करके उसे पीट पीट के मार दिया गया। वहीं झारखंड के खरसावां में भी तबरेज अंसारी को चोरी का इल्ज़ाम लगा के मारा गया था। ऐसी ही एक घटना 3 जुलाई को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के नितुड़िया थाना अंतर्गत घटी, जहां पे मदरसा ताहिरुल उलूम सालतुड़ में पढ़ने वाले एक 14 वर्षीय बच्चा मोहम्मद अबुजर को कुछ असामाजिक तत्वों ने घेर कर धार्मिक नारे लगाने को जबरन उसे कहा। हालांकि कुछ लोगों के आ जाने के कारण वे असामाजिक तत्व वहां से भाग गए और वो आगे कुछ नहीं कर पाए, लेकिन इस घटना से वो 14 वर्षीय बच्चा काफ़ी सहम गया। इस घटना की खबर फैलते ही आज यानी 4 जुलाई को काफ़ी संख्या में एक विशेष समुदाय के लोगों ने नितुड़िया थाना का घेराव किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, जिस पर थाना प्रभारी ने 24 घंटे के अंदर पकड़ने का आश्वासन दिया है। तो दोस्तों, ये सब घटनाएं जो देखी जा रही है, ऐसा कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से प्रायोजित है या इसे एक योजना के तहत किया जा रहा है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि ऐसी घटनाओं पे ज़्यादा उत्साहित ना हो या ज़्यादा उत्सुक ना हो, बल्कि ऐसी घटनाओं का विरोध करें, क्योंकि देखा जाता है कि जिस गांव में कोई भीड़ एक व्यक्ति की हत्या करती है, तो वहाँ पे पूरे गांव के लोग खड़े होकर देखते हैं। यानी उस घटना में उस व्यक्ति की मौत नहीं होती है, बल्कि पूरे गांव के लोग मुर्दे साबित होते हैं। क्योंकि जब कभी गुनाह होता है, लोग खड़े होकर देखते हैं, तो उसके गुनाहगार वो भी होते हैं जो खड़े होकर देख रहे हैं। तो हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आपके भी गांव, आपके मोहल्ले, आपके बस्ती में अगर कुछ लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो विनती है आप लोगों से कि उन्हें रोकें। ऐसी घटना करने से उन्हें रोकें, ताकि हमारा जो भारत का गंगा जमुनी तहजीब है, आपसी भाईचारा है, हमेशा बना रहे। और इस घटना को रोककर आप देश हित का काम करेंगे, वहीं हमारे देश के जो सामाजिक संगठन हैं उनसे भी अनुरोध है कि वो भी ऐसे मामलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आगे आएँ और ऐसी घटनाओं को होने से रोकें। लोग मदरसा ताहरुल उलूम फैज़ हिदायत रहीमी, जो आपका इलाका है सालतोड़ का, वहीं पे ये मदरसा है। अभी तबरेज अंसारी का दर्द कम ही हो नहीं पाया था,
कि मॉब लिंचिंग का जो एक सिलसिला जो शुरू हो चुका है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे ही वाक़यात देखा गया जब इस मदरसे का एक लड़का भी मॉब लिंचिंग का शिकार हुए। आज मदरसा के जो मोहतमिम हैं वो हमारे साथ में हैं। आप देख रहे हैं छोटे छोटे कुछ बच्चे हैं और कुछ बच्चे तो घर चले गए लेकिन अभी कुछ बच्चे हैं। आइए मोहतमिम साहब से बात करते हैं कि वाक़या कल क्या हुआ था। और ये कौन है? ये हमारे मदरस है। मदरस साहब का नाम क्या हुआ? कारी शरीफुल इस्लाम। अच्छा, ये मदरसा कब से चला रहे हैं आप? 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गया ना। यहाँ कितने बच्चे थे? यहाँ 15-20 बच्चे। 15-20 बच्चे। कल का जो वाक़या वो क्या था? कल का वाक़या जो है, एक बच्चे को हम वहाँ परविले भेजे थे जी, पर बच्चे वो बच्चे वापसी आ रहे थे साइकिल से। उसको यहाँ सालदौड़ के करीब एक पुल है वहाँ सामने, उसको रोक करके उस बच्चे से रुकने के लिए कहा। वो बच्चा रुका नहीं, उसका साइकिल पकड़ करके उसको रुकवाया। उसके बाद उसको कुछ दे करके उसको बोलने कुछ दिया, उसके बाद कहा कि तुम जय श्री राम बोलो। अच्छा, बच्चा ने वो 13-14 साल का ही है। अच्छा, वो मदरसा में कौन क्या पढ़ रहा था? वो हिफ्ज कर रहा था, प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ते हैं वो। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या? उसके बाद उस बच्चे को ले जा करके झाड़ियों में जहाँ गढ़ा है वहाँ उसे लेके गया और वहाँ उसके सामान उसको करने के लिए किडनैप करने के लिए उसको सामान निकाला। अब ये बच्चा जब शोर करने लगा रोने लगा तो दूसरा मोटरसाइकिल से एक आदमी आया और हर एक का मुंह में पट्टी बांधा हुआ था। अच्छा, कोई नज़र नहीं आ रहा था, मतलब कोई आँख नज़र आ रहा था। उसके बाद वो आदमी ने बताया कि अरे क्या कर रहा है तुम लोग, इस बच्चे को क्यों मार रहे, छोड़ दो नहीं तुम लोग पकड़ा जाओगे। अच्छा, ये कहने का वजह से वो लोग भाग गया दोनों तीन जो थे। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता बच्चा खौफ के मारे वो चला। आपको कब मालूम हुआ ये बात? ये हमको मालूम हुआ जब रात को बच्चे डर के मारे सो नहीं रहे थे, तब हमको 10:30 बजे के लगभग मालूम हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद हम भी उस फिक्र में रहे। फिर उसके बाद हम अपने जो इलाका वाला है, जो हमारे जो बस्ती के जो मुहतिम है सदर सिक्योरिटी, उन लोग हमने सुबह को हमले के सुबह में खबर किया सारे का। अच्छा, उसके बाद फिर क्या? उसके बाद फिर हमारे यहाँ का जो जो मानिंद जो है सदर सिक्योरिटी है, उसके बाद बच्चे का जो गार्जियन वगैरह है, वहाँ 4-5 गाँव का जो आदमी आए वहाँ थाना घिराव किए, बड़े बाबू से बात किया तो वही 24 घंटे का उन्होंने ही किया कि 24 घंटे के हम अंदर अंदर हम लोग इसका ही कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। नितोड़िया थाना में आप लोगों ने कंप्लेन किया है? जी जी। अच्छा, थाना में उन्होंने 24 घंटे का टाइम मांगा। अच्छा, जब ये जो वाकया हो गया उसके बाद बच्चे के वालिद आए? जी, वालिद साहब भी थे, उसके चाचा भी थे, हम भी थे और 5-6 गाँव का जो बहुत सारे 400-500 आदमी भी थे साथ में, वो उसको वालिद को लेकर चले गए। अभी अभी लोगों का क्या कहना है? अभी लोगों का कहना है कि जल्दी उसको जो जो काम किए उसको पकड़ा जाए, हाँ नहीं तो फिर हम लोग फिर थाना घेरा करेंगे, रोड जाम करेंगे, नहीं उसका नतीजा ख़राब होगा। फिर पॉलिटिकल किसी नेता से बात हुआ आप लोग का? पॉलिटिकल नेता से बात हुआ, वो जो नेता लोग हैं वही लोग बात किए हैं। अच्छा, अभी जो ये हो रहा चल रहा है कि हमारे जो जमीयत उलमा हिंद का जो ये है नुमाइंदे हैं, उन लोग भी खबर ले रहे हैं और जो अखबार वगैरह हैं मीडिया वाले हैं, मीडिया वाले भी बयान लिए हैं। मीडिया में भी आपका पूरा बयान आया? अच्छा, वहाँ भी आए हुए और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी आए हुए हैं, देख रहे हैं जो ये बच्चे बाहर के बच्चे हैं, इस जैसे कैसे हम मदरसा चलेंगे इस तरह का अगर किया जाए। ठीक, अभी तो मदरसा चल रहा है आपका? हाँ, अभी चल रहा है, और कोई ऐसी बात नहीं है? अभी कोई बात नहीं। बच्चे हैं जो जेर तालीम है, अरबी पढ़ रहे हैं। मैं आज इसे न्यूज़ के चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जितने उम्मत के मुसलमान हैं, जितने नौ कौम के जियाले, उनसे मेरी गुजारिश है कि ये लोग थोड़ा डरे हुए हैं और खौफ के साए में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपसे कुछ मदद पड़े बन पड़े तो इनकी ज़रूर इमदाद करें और इनसे राब्ता करके इनको ताने की कोशिश। कल का सर जो घटना हुआ ये कब आपको मालूम हुआ? कल के जो मोबाइल जो आपके इलाके में? देखिए, कल हम थे नहीं, कल लगभग हम लेट नाइट लगभग 8-9 बजे आए, बाहर गए हुए थे तो हमको सुबह में सूचना मिला। इससे बहुत बहुत ही निंदनीय घटना है, इसको हम लोग धिक्कार जनाते हैं। ऐसा घटना ये इलाका में पहला बार सुनने में मिला। हम लोग भी चेष्टा कर रहे हैं, जैसा हम उसी से बात किए थे, उसी हिसाब से हमारे नितुलिया थाना के प्रभारी से तो उनसे बात हुआ, इंक्वायरी चल रहा है, तदंत चल रहा है। हम लोग हमारे पार्टी लेवल से भी एवं हमारे जितने भी स्तर हैं प्रत्येक लड़का को लगा कर रखे हैं कि एक गलत प्रभाव ये इलाका में डालने का कोई चेष्टा कर रहा है, कोशिश कर रहा है। आप तो नितुलिया गए टीएमसी के ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हो, मैंने क्या लग रहा है ये घटना प्री प्लान हो रहा है या कोई साजिश कर रहा है या फिर टारगेट किया जा रहा है? देखिए, हम तो बोले कि यहाँ पर जो भी
ये तो सीधा से भाजपा के द्वारा ही किया जा रहा है। आप झारखंड का भी एक घटना सुने होंगे, और जबरदस्ती जय श्री राम बोलवाना, सब बहुत गलत हो रहा है। अरे हमारा धर्म, हम अपना धर्म पालन करेंगे, और जिनका भी जो धर्म है वो अपना धर्म पालन करेंगे, इसमें तो कोई तरह का दिक्कत नहीं है। सब अपना धर्म को, एक हिंदू हो और कट्टर हिंदू हो तो क्या लगता है ये जो समाज में जो मैसेज जा रहा है ठीक जा रहा है? देखिए इसको तो हम बार बार बोले हैं, बहुत दुखद घटना है, बहुत निंदनीय घटना है, इसको हम धिक्कार जनाते हैं, ऐसा घटना नहीं घटना चाहिए। हम बार बार बोल रहे हैं कि हमारे नेत्री, हमारे ममता बंदोपाध्याय बोलती है, हम लोग जिसे पढ़े भी हैं बचपन के, भारत के अनेकता में एकता है, यहाँ सभी तरह के लोग बास करते हैं। आप देख रहे हैं अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप में हमारे सब तरह के प्लेयर खेल रहे हैं, मुस्लिम भी खेल रहे हैं, हिंदू भी खेल रहे हैं, हाँ सब कम्युनिटी के लोग हैं। 83 के वर्ल्ड कप में भी हम लोग जब वर्ल्ड कप जीत कर आए थे तो प्रत्येक व्यक्ति थे। अच्छा तो, नितुड़िया आईसी साहब का बात हुआ तो क्या कहें अब तक? देखिए नितुड़िया आईसी सुबह में, नितुड़िया ओसी सुबह में लेकर आए थे बच्चे को, स्पॉट विजिट भी कराया गया और उनसे जाना भी गया क्या क्या कितना लंबा थे, कैसा लड़का लोग थे, मुँह बांधे हुए थे, 4-5 लड़का थे। देखिए इस पर हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इस तदंत को हम लोग जारी रख रहे हैं, एकदम तह तक जाएंगे। ऐसा घटना निंदनीय घटना है और हम लोग इस तरह का घटना को मैंने प्रतिवाद जनाते हैं, आने वाला दिन में ऐसा घटना न घटे इसके लिए हम लोग पूरा तरह से सचेतन है। आज से हम लोग सचेतन हो गए, चूंकि ऐसा घटना नहीं घटा था इसलिए हम लोग नहीं कभी फील कर पाए थे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा घटना भविष्य में नहीं घटेगा इसके लिए हम लोग पूरा तरह से संकल्प लेते हैं। हम लोग तो देखते हैं अपनी एक्टिविटीज से ये एरिया में पूरा आपकी पकड़ है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, जो घटना कर रहे हैं मजहब के नाम पे, उसके लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए हम एक ही चीज बोलेंगे, सबका अपना अपना मजहब है, हम लोग सब अपने अपने मजहब में जो जो माने भगवान को जो मानते हैं भगवान को मानते हैं, जो अल्लाह को मानते हैं अल्लाह को मानते हैं, मानने में तो कोई तरह का बुराई नहीं है, जिनका जो धर्म है अपना धर्म को पालन करेंगे। लेकिन चूंकि बार बार हम बोल रहे हैं कि हम लोग पश्चिम बंगाल में बास करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री एक जी चाहती है हम लोग सबको लेकर चलेंगे, हम तृणमूल कांग्रेस से हैं, बिलोंग करते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस सबको लेकर चलना चाहती है। इस तरह का कुछ पार्टी लोग है जो इस तरह का डेवलपमेंट का काम पर कोई बात नहीं करता, यही सब बगला फुसला कर वोट लेना वगैरह, आने वाले समय में विधानसभा इलेक्शन है सोचता है इस तरह से हमारा पार्टी का जनाधार बढ़ेगा, ये बहुत गलत है, जनाधार बढ़ेगा नहीं, आस्ते आस्ते वो लोग शेष हो जाएंगे और आने वाले दिन में सिर्फ ममता बनर्जी का पार्टी ही बचेगा और कोई नहीं बचेगा। चलिए सर, हम उम्मीद करते हैं कि आपके लीडिंग सिंह में जिस तरह आप काम करें इसी तरह आप सबके लिए काम करें। धन्यवाद, हम लोगों से बात की उसके लिए थैंक यू। धन्यवाद।